हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पूजा फैशन बुटीक पे। दोस्तों आज हम आपको 30 साइज की कमीज़ की कटिंग बताएंगे। तो साइज हम एक बार आपको समझा देते हैं। 36 इंच सूट की लंबाई है, 30 इंची चेस्ट, ये दोस्तों तैयार चेस्ट है, इसमें हमने लूजिंग 3 इंच ऐड कर लिया है। और ये 24 इंच कमर है, इसमें भी दोस्तों हमने 3 इंच कमर में भी लूजिंग ऐड कर लिया है। 32 इंच हिप है, इसमें भी हमने 3 इंच लूजिंग ऐड कर लिया है। 16 इंच घेरा है, 13 इंच तीरा है, 14 इंच बाजू है, 9 इंच मोहरी है बाजू की, फ्रंट गला 6 इंच है, बैक का गला 7 इंच। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कटिंग। अब दोस्तों सूट कटिंग करने के लिए हमें एक तो ये सीधा स्केल ज़रूरी है लेना, और ये जो सिप फट्टी है तो ये दोस्तों पैंट के भी कटिंग में यूज होती है और सूट के भी कटिंग में यूज होती है। तो जो मीडियम साइज़ होता है तो उसमें हम सेप फट्टी को यूज नहीं करते। जब ये ज़्यादा हैवी साइज होता है तो उसमें हमें ये राउंड सेप फट्टी यूज़ करना होता है। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। ये दोस्तों हमने पेपर लिया हुआ है, अगर आप कपड़े में कटिंग करेंगे तो कपड़े को आप इस तरह से फोल्ड करके कटिंग करें। ये हमने पेपर में कटिंग बता रहे हैं, तो हमने सिंगल पेपर इस तरह से हमने बिछा रखा है, तो हम आपको अलग अलग कटिंग करके बताएंगे। फ्रंट की पहले कटिंग करेंगे, उसके बाद में बैक की, फिर उसके बाद में बाजू की। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे सीधा निशान लगाना है, जो कि हम तीरे का निशान लगाते हैं इस तरह से। अब इसके बाद में इंची टेप को हमें इस तरह से रखना है। अब सूट की आपकी जो भी लंबाई हो, हमारे सूट की लंबाई 36 इंच है यानी 36, तो इसमें हम आधा इंच ऐड करेंगे, तो 36.5 इंच पे हमें इस तरह से निशान लगा लेना है। अब इसमें हमें 2.5 इंच तुरपाई के लिए एक्स्ट्रा ऐड करना है, ये देखिए इस तरह से। अब दोस्तों इसके बाद में हमें तीरे का निशान लगाना है, तो जब भी हम तीरे का निशान लगाते हैं तो गले के हिसाब से हम तीरे का निशान लगाते हैं। गला अगर 2 इंच 3 इंच 0 से लेकर 2 इंच 3 इंच गला होता है 4 इंच, तो दोस्तों ये तीरा जितना भी होता है, जैसे इसका तीरा हमने बताया आपको 13 इंच है, तो वो हम 13 इंच से ही कटिंग करेंगे। और अगर गला डीप होता है बैक का 5 इंच 6 इंच 7 इंच 8 इंच 9 इंच 10 इंच, तो इसमें हमें क्या करना होता है, तीरा कम करके कटिंग करते हैं। तो ये हमारे सूट का गला है 7 इंच, तो देखिए 7 इंच के हिसाब से हमें तीरे को कितना लेना है, 5.5 इंच। ये देखिए साइज बिल्कुल हल्का है, तो इसमें हम 5.5 इंच लेंगे तीरा। और जो गले की ब्रॉडिंग है, तो दोस्तों जो हल्का साइज होता है तो उसमें गला 5 इंच ब्रॉडिंग ले लें, या फिर 5 इंच से भी आप थोड़ा सा कम ले सकते हैं। तो इसमें हम 5 इंच ब्रॉडिंग, जो गले की ब्रॉडिंग है, तो 5 इंच पे हमने निशान लगाया, जो 5 का आधा होता है 2.5 इंच। अब दोस्तों इसके बाद में हमें, हम जो भी तीरे का निशान लगाते हैं तो उसमें हम 0.5 इंच प्लस करके आर्मोल को नीचे डाउन करते हैं। तो देखिए 5.5 इंच है, ठीक है, तो हमें इसमें 0.5 इंच ऐड करना है, मतलब प्लस करना है। तो ये हम 6 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद में हमें ये बिल्कुल सीधा निशान लगा लेना है इस तरह से। अब इसके बाद में हमें कमर का निशान लगाना है, तो ये हमें कमर का निशान 14 इंच पे लगा देना है, और 21 इंच पे हम हिप का निशान लगाएंगे। तो इन निशानों को हमें पहले सीधा लगा देना है इस तरह से। अब नीचे हम घेरे का भी सीधा निशान लगा देना है पहले हमें। दोस्तों चेस्ट का निशान लगाएंगे, चेस्ट है 30 इंच, तो इसका हम 4/4 इंच लेंगे, तो आएगा दोस्तों 7.5 इंच। तो इस तरह से हमें 7.5 इंच पे निशान लगा देना है। अब कमर का निशान लगाना है, तो कमर है 24 इंच, तो इसे भी हमें 4/4 इंच लेना है, यानी हम 24 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो आएगा दोस्तों 6 इंच। अब हमें हिप का निशान लगाना है, तो हिप है 32 इंच, इसे भी हमें 4 से डिवाइड करना है, तो आएगा दोस्तों 8 इंच। घेरा है 16 इंच, तो 16 का दोस्तों जो घेरा होता है तो उसे हम आधा ही नापते हैं, तो 16 है तो उसका आधा हुआ 8 इंच। अगर कस्टमर घेरा ज़्यादा चाहता है तो आप उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं, नहीं घेरा हम हिप के हिसाब से स्ट्रेट बिल्कुल रखते हैं घेरा। दोस्तों हमें चाक किस हिसाब से नाप लेना होता है, जब कस्टमर अगर सूट पहन के आते हैं, सूट की अगर लंबाई कस्टमर की बिल्कुल सही है, जो कस्टमर सही सूट पहना हुआ है,
तो दोस्तों हम चाक किस तरह से नापते हैं ये आप देखना ध्यान से। जो नीचे घेरा होता है तो ये तो हमारे तुरपाई के लिए फोल्ड हो जाएगा जो हमने निशान लगाया हुआ है। तो मान लीजिए यहाँ तक हमारा सूट तैयार है, कस्टमर ने जो पहना हुआ है, तो यहाँ से हम इंची टेप को इस तरह से यहाँ पे नापेंगे। अगर 15 इंच पे चाक है तो हमें हिप का निशान 15 इंच पे लगाना है। अगर 16 इंच पे चाक कस्टमर ने पहना हुआ सूट जो उसमें 16 इंच पे चाक खुले हुए हैं तो 16 इंच पे हिप का निशान लगाना है। और दोस्तों अगर 17 इंच पे चाक खुले हुए हैं तो 17 इंच पे निशान लगाना है। तो ये जब सूट पहन के आते हैं तो हमें नीचे घेरे से चाक को नापना होता है। और दोस्तों हम एक चीज़ को और इसमें क्लियर कर देते हैं, अगर कस्टमर का सूट जो पहना हुआ है फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट है, फिटिंग सही है, उसमें ना लूज़ है ना टाइट है, तो दोस्तों आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि जब नाप लेंगे तो पूरे बॉडी का नाप लेने के बाद में ये दोस्तों हम आधा चाक को नाप लेंगे। जैसे ये हिप का हम नाप लेते हैं तो हिप का नाप लेने के बाद में, तो देखिए हम सूट में आपको बता देते हैं किस तरह से हमें आधा नाप लेना होता है। मान लीजिए हिप को हम पूरा गोलाई से नाप लिया जो कस्टमर का नाप ले रहे हैं, उसके बाद में जो ये सूट पहना हुआ है कस्टमर मान लीजिए, तो हमें क्या करना होता है, ये अगर सूट कस्टमर के फिटिंग सही है, अगर बाय चांस लूज़ है टाइट है तो फिर इस चीज़ को आप ना नापें, अगर फिटिंग सही है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, ये देखिए जहाँ से हमारे चाक खुले हुए हैं, ये इधर के चाक ये खुले हुए हैं, तो इंची टेप को हमें क्या करना है, इस तरह से इंची टेप को पकड़ेंगे और जहाँ से चाक खुले हुए हैं तो दोस्तों हमें इस तरह से सूट को नाप लेना है आधा। तो ये तो सूट हम सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, वो साइज़ अलग है और ये साइज़ अलग है, ये समझाने के लिए हम सिर्फ आपको बता रहे हैं। तो इस तरह से हिप का नाप आधा लिख लें। तो जब हम सूट के चाक का नाप लेते हैं तो मान लीजिए सूट पहने हुए कस्टमर, तो जब चाक हम नापेंगे तो ये देखिए हमें घेरे की तरफ इंची टेप को इस तरह से पकड़ना है और ये जहाँ तक चाक खुले हुए हैं तो ये देखिए इस तरह से हमें नापना है। तो इसमें सूट में आ रहे हैं 21.5 इंच, ये हम दूसरा सिर्फ समझाने के लिए सूट आपको नाप लेके दिखा रहे हैं कि किस तरह से हमें चाक नापने होते हैं। तो इस तरह से चाक को नापना होता है। तो ये हम हिप को 21 इंच पे ही रखेंगे चाक, इसके मान लीजिए हम सिर्फ आपको समझा रहे हैं, ठीक है, ताकि इसमें कोई कस्टमर के जो भी नाप लेते हैं तो उसमें कोई गड़बड़ी ना होने पाए, सूट बिल्कुल कस्टमर को परफेक्ट आना चाहिए। तो ये हमने 21 इंच पे हिप का निशान लगा दिया है। अब दोस्तों इन निशानों को हमें किस तरह से लगाना है, तो देखिए सबसे पहले हम कंधी डाउन करेंगे, आधा इंच कंधी आप डाउन कर लें, उसके बाद में ये तीरा जितना हमने निशान लगाया है तो उसी के हिसाब से यहाँ पे हमें निशान लगाना है। तो 5.5 इंच पे हमने तीरे का निशान लगाया है तो यहाँ पे हमें 5.5 इंच पे निशान लगा देना है। और दोस्तों हम फ्रंट का जब आर्म होल कटिंग करते हैं तो अंदर की तरफ गहराई से कटिंग करते हैं, तो आधा इंच हम अंदर की तरफ इस तरह से निशान लगा देंगे और इन निशानों को हमें आपस में मिला देना है। ये देखिए कंधी से जहाँ से हमने डाउन किया है तो वहाँ से हमें इस तरह से निशान मिलाना है। अब ये दोनों निशान मिल चुके हैं, अब चेस्ट वाले निशान से कमर वाले निशान पे मिला देना है। अब कमर वाले निशान से हिप वाले निशान पे मिला देना है। अब दोस्तों हिप वाले निशान से हमें घेरे वाले निशान पे मिला देना है। ये देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरह से एरो का निशान लगाना है। ये देखिए हमने बैक के लिए एरो का निशान लगाया और ये जो अंदर की तरफ निशान लगाया तो ये फ्रंट वाला है। अब हमें करना क्या है, यहाँ से हम आर्म होल की शेप देंगे। दोस्तों ये जो शेप दे रहे हैं हम तो ये बहुत प्रॉपर शेप देना होता है, ये अगर शेप आपकी गड़बड़ होगी तो सूट की फिटिंग गड़बड़ हो जाएगी। अब हम बैक पर लेके निशान लगाएंगे, तो ये देखिए इस तरह से फ्रंट का हो गया और ये बैक पल्ले का निशान हो गया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे हम 1.5 से 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे ताकि बाई चांस भविष्य में कभी सूट को लूज करना पड़े तो आसानी से सूट लूज हो सके। ये देखिए इस तरह से हमें और यहाँ पे हमें कट का इस तरह से निशान लगा लेना है। अब दोस्तों हम कटिंग करेंगे, अभी हम फ्रंट वाले निशान से नहीं कटिंग करेंगे, बैक वाले निशान से हमें कटिंग करना है।
तो ये हमने फ्रंट पल्ले की कटिंग कर लिया, अब हमें बैक पल्ले की कटिंग करना है। तो देखिए बैक पल्ले को हम देखते हैं इसमें हमारे पेपर में निकल रहा है या फिर नहीं, अगर नहीं निकलता तो हम दूसरा पेपर लेंगे। तो ये देखिए हम पेपर को इस तरह से रख लेंगे और रखने के बाद में ये दोस्तों इसके ऊपर हमें बिल्कुल बराबर मिला के रखना है। तो ये हमने मिला के बराबर रख दिया, अब आप इसमें कुछ वेट वाली चीज़ रख लें ताकि ये इधर उधर ना होने पाए। अब हमें बिल्कुल इसी के बराबर से कटिंग कर देना है बैक पल्ले की भी। तो दोस्तों ये हमारे दोनों बैक और फ्रंट कटिंग हो चुके हैं, अब हमें करना क्या है ये देखिए। हम सबसे पहले नीचे जहाँ से हमें लंबाई सूट की रखनी है तो वहाँ पे हमें इस तरह से कट लगा देना है, और जहाँ से हम चाक को फोल्ड करेंगे तो वहाँ पे भी हमें इस तरह से कट लगा देना है, और जहाँ से हमें चाक खोलने हैं वहाँ पर हमें इस तरह से कट लगा देना है। अब ये देखिए चेस्ट के पास में है तो यहाँ पर हमें जहाँ से हम फिटिंग की सिलाई लगाते हैं तो यहाँ पर हमें इस तरह से कटिंग कर देना है, और गले की ब्रॉडिंग का भी हमें कट लगा देना है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे भी कट लगा दिया। अब हम फ्रंट का आर्मोल कटिंग करेंगे। अगर आप कपड़े में कटिंग कर रहे हैं तो ध्यान रखें बैक के पल्ले को हटा देना है, गलती से बैक पल्ले का भी कटिंग ना हो जाए साथ में, तो इसलिए आप ध्यान रखें। ये जो हमने बैक पल्ले के ऊपर रख दिया तो इसे आप हटा के कटिंग करें। तो ये दोस्तों हमने बैक और फ्रंट की कटिंग कर लिया है, अब हमें बाजू की कटिंग करना है। तो हमने फ्रंट और बैक पल्ले को तो हमने बिना फोल्ड किए हुए कटिंग किया है, लेकिन बाजू को हमें फोल्ड करके कटिंग करना है। ये देखिए हमने इस तरह से पेपर को फोल्ड कर लिया है। अब ये फोल्ड क्यों करके हमें कटिंग करना है वो हम अभी आपको बता देंगे। तो देखिए बाजू की लंबाई है 14 इंच, तो हमें पहले 14.5 इंच पर निशान लगा लेना है इस तरह से, आधा इंच क्योंकि हमारी कंधे का दबाव हो जाता है। और दोस्तों ये बिल्कुल हल्का साइज है तो इसका हम आर्मोल 3 इंच हम डाउन करेंगे। अभी निशानों को हमें सीधा मिला देना है। दोस्तों बाजू की मोरी है 9 इंच, तो 9 का आधा हुआ 4.5, तो इस तरह से हमें 4.5 इंच पे निशान लगा देना है। चेस्ट है 30 इंच, तो चेस्ट के हिसाब से दोस्तों हमें बाजू की कटिंग करना होता है, आर्मोल का हम बाजू का निशान लगाएंगे। तो 30 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये दोस्तों आएगा 6 इंच, तो हमें 6 इंच पे इस तरह से निशान लगा देना है। अब इस निशान को हमें इस निशान पे मिला देना है। अगर आपकी बाजू की मोरी कम है तो आप इस तरह से निशान लगा सकते हैं, ज़्यादा है तो आप इस तरह से निशान लगा सकते हैं। नीचे की तरफ हमें तुरपाई के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होता है। अगर आपके सूट में तुरपाई नहीं है, पाइपिंग है, तो इसमें सिर्फ आप 1/2 इंच रख के निशान लगा लें। अगर आप बिना निशान के कटिंग करना चाहते हैं तो आइडिया से भी कटिंग कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से निशान लगा के कटिंग करें। अब दोस्तों इसमें भी हमें 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, जितना हमने सूट में मार्जिन लेना होता है उतना हमें इसमें भी लेना होता है। ये अब हमें एक्स्ट्रा कपड़े को मतलब एक्स्ट्रा पेपर को हमें इस तरह से कटिंग कर देना है। अब जहाँ से बाजू की तुरपाई होगी तो वहाँ पे हमें इस तरह से कट लगा देना है। दोस्तों बाजू की जहाँ से हम फिटिंग की सिलाई लगाते हैं तो वहाँ पे भी हमें इस तरह से कट लगा देना है। अब बाजू को हम खोल लेंगे, ये देखिए इस तरह से। अब बाजू को अगर हम सिंगल पल्ले में कटिंग करते तो दोस्तों इस तरह से हम खोल के जो फ्रंट का आर्मोल होता है तो वो हम कटिंग नहीं कर पाते। अगर कटिंग भी कर देते तो दोस्तों वो बैक पल्ला हमारा नहीं रह जाता, सिर्फ फ्रंट का ही कटिंग होता। तो इसलिए हमें बाजू को अगर पेपर में भी हम कटिंग करते हैं तो हमें इस तरह से फोल्ड करके कटिंग करना होता है। अब ये देखिए हम 1/2 इंच से लेके 1.25 इंच तक इस तरह से हमें अंदर की तरफ शेप देना होता है, जो ये हमारा फ्रंट की तरफ आता है। तो दोस्तों हमारी बाजू की कटिंग हो चुकी है और यहाँ पे हम बीच सेंटर में भी कट लगा देंगे। तो दोस्तों ये हमारा सूट कटिंग हो चुका है। अगर आपको ये सूट कटिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम हो
या कुछ ना समझ में आ रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, तो हम उसका हल निकालेंगे और समझाने की आपको पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो हम नई वीडियो डालें वो आप तक पहुँचती रहे। और दोस्तों, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कटिंग करने का तरीका कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।